गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे। अब हम लेसन नंबर 15 दाजू का पार्ट 2 आज करेंगे। उससे पहले पार्ट 1 को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मदन जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का लड़का है। ये जो कहानी है वो बाल श्रमिक बाल मजदूर लोगों पर आधारित है। शेखर जोशी ने लिखी हुई है। इस पर एक चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा फिल्म भी बनी है। दाजू यानी पहाड़ी क्षेत्र में जिसको बड़ा भाई कहा जाता है उसे कहते हैं। मदन अपने गांव से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है। छोटा सा 10 साल का लड़का है और उसका जो रंग है वो गोरा चिट्टा करी आंखें है, सुंदर सी नीली आंखें है और सुंदर दिखता है। उस जगह पर जगदीश बाबू करके एक इंसान जो है वो आते हैं। वो भी खुद बहुत अकेले हैं क्योंकि वो भी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनको अपने जैसा कोई मिलता नहीं है, इसीलिए कैफे में वहाँ पर वो रोज किसी को ढूंढते हैं, अपने गांव को याद करते हैं। उतने में उनकी बात जो है वो मदन से होती है। उतने तक हमारा पार्ट 1 हुआ था कि मदन जो है वो भी एक छोटा सा गांव का लड़का है अल्मोड़ा, उसका नाम और गांव पूछा था। अब आगे इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संख्या के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सब बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। अब जो है उसका गांव का नाम जो है वो थोड़ा जो नेम जो है थोड़ा विचित्र है, इसलिए उसको बोलने में थोड़ी ये होती है कि अल्मोड़ा जो है वो तो फेमस है और उसके जो गांव का नाम है वो थोड़ा टिपिकल, इसलिए उसको बोलने में शर्म आती है। पर आगे जाकर वो पूछता है, फिर भी नाम तो कुछ होगा, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। अब जगदीश बाबू ने थोड़ा जोर से पूछा कि भाई नाम तो बता। डोटिया लगो, गाँव का नाम क्या है? डोटिया लगो। वह सब पूछता हुआ सा बोलो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अब मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलता है चाह कर भी ना निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा। अब इतने दूर आए हैं, यहाँ पर अगर हमें अचानक से कोई हमारे पहचान वाला जन मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी मदन को हो रही थी क्योंकि जब उसने अपने गांव का नाम बोला तो जगदीश बाबू ने कहा था मैं भी उसी के पास के गांव का ही हूँ। तब वो खुशी के मारे शायद उसके हाथ से पे भी छूट जाती, इतना खुश वो हो गया। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी माँ, पहाड़ी क्षेत्र की भाषा है ईजा, माँ को ईजा कहते हैं। बाबा, दीदी, बुली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा, ये सब जो अपने देश के या अपने गांव के जो वर्ड्स हैं वो तुरंत उसके दिमाग में रिकॉल होने लगे। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी छाया निकट जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, बुली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। ठीक है, वो उनको क्या कहकर बुलाए वो उसके दिमाग में आ गया और फर्स्ट सबसे पहला जो शब्द था वो उसके दिमाग से निकला दाजू, कि मैं इनको दाजू कहकर बुला सकता हूँ। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच के अजनबीपन की खाई दूर हो गई। वो दोनों जो एक दूसरे को नहीं पहचानते, अजनबीपन जिसको पहचान नहीं वो दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद यानी जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी यूं पड़ेगा? अब मदन जो है वो तो पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, उत्तराखंड में तो वहाँ पर तो बर्फ बहुत गिरती है और यूं तो वहाँ पर हिम बर्फ को यूं कहते हैं जो बर्फ पड़ती है उसको। अब वो इतना अभी 9-10 साल का लड़का है तो उसे कोई अपना मिलेगा तो वो कितना उससे घुल मिल जाएगा। वो छोटी छोटी बात में पूरे टाइम दाजू जब भी आने जगदीश बाबू कैफे में आते तब वो उससे बातें करता रहता था कि आज ठंड बहुत है, आज यहाँ पर भी बर्फ गिरेगी।
दाजू अपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, आपने तो बहुत थोड़ा खाना खाया। कभी किसी और से भाई की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि को पहुंचते से पहले ही वहां पहुंच जाता। वो ऐसे भी बहुत एक्टिव था, स्फूर्तीला था। अब उसको दाजू से बातें करना, क्योंकि वो जो भी है थोड़े दिन समय के लिए ही आते होंगे, तो वो सब बातें उनसे करना चाहता था कि आपने खाना इतना खाया नहीं खाया ऐसे करके। और उसे लोग क्या कहते हैं, बॉय, क्यों? क्योंकि वो वेटर है तो उसे लोग बॉय कहकर बुलाते हैं। तो सभी तो उसको मदन के नाम से नहीं बुलाएंगे, तो बॉय की आवाज जहाँ से आती वहां पर वो चला जाता। पानी लाया दाजू, शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहरा था जितनी आतुरता से बहुत दिनों तक मिलने पर भी माँ अपने बेटे को छोड़ती है। हर एक जगह जगदीश बाबू जो भी पढ़ बोलते वो लाया दाजू, लाया दाजू। वो खुश होकर वो चीज करता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकी बन दूर हो गया, यानी कि वहां पर उनको और लोग मिल गए जिनसे वो बातें कर सके। उन्हें जब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपने मन में रंग रंगा हुआ लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मदन एक वेटर है, वो उनसे घुल मिल रहा है, वो बात उनके मन में खटकती है। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, वो दूसरी जगह पर जाता तो भी उनसे ही बातें करता कि दाजू ऐसे दाजू ऐसे। मदन की तरह आया दाजू, दाजिक शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपने की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे टिक न सके। अब जो बार बार दाजू शब्द बोलता था उसे जगदीश बाबू मिडिल क्लास के थे, उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि दाजू जो है वो, अरे मदन जो है वो एक गरीब लड़का है, उनसे घुलना मिलना उसको अच्छा लगता नहीं था। जब तक अकेले थे तक अच्छा लगा, पर अब जब सब लोग उनको मिल गए हैं तो ये लड़का उन्हें बुरा लगता है। मदन इधर आओ, दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्यों चिल्लाते हो रहते हो देवर? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? अब एक दिन उन्होंने उसे डांट ही दिया कि ये दाजू दाजू जो तुम बार बार कहते रहते हो ये मुझे अच्छा लगता नहीं है, किसी की इज्जत का ख्याल। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण दम दमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ नहीं सकेगा, यह नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। उसे सब कुछ समझ में, वो तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, प्रेस्टीज यानी इज्जत होता है वो भी उसे नहीं पता था। पर जब वो गुस्सा हुए तब उन्होंने वो चीज बोल दी और मदन को उस दिन बहुत ही बुरा। मगन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी, उसे बहुत दुख हुआ। मैंने जैसे सिर दर्द का बहाना कर वो घुटनों में सर के दे कोठरी में सिसकी अब घर घर होता रहा। उसका यहाँ पर कोई अपना नहीं था, एक अपना मिला था उसने भी उससे नाता छोड़ दिया था, तोड़ दिया था। वो बहुत रोया, वो ऑर्डर से अपना सब टूटता है ऐसे करके वो चला गया और बहुत दुखी। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी, उसकी माँ की गोदी से, बाबा की भाव से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रोन लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य को जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। वो बहुत ही भावुक हो चुका था, उसके पास ऐसा लगा जगदीश बाबू ने उसने सब कुछ देखा था, उसकी माँ पिताजी दीदी भाई सब उसमें दिखते थे। पर जब उन्होंने ऐसा किया तो उसको ऐसा लगा कि उसके सारे जो भी सगे थे वो उससे छिन गए। इससे अच्छा तो वो अकेला ही अच्छा था। और जब हमारा मन बहुत भर जाता है तब हम रो लेते हैं, तब हमें थोड़ी शांति मिलती है। तो इसीलिए मदन जब रोया तब वो थोड़ा ठीक हो गया। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब उसके बचपन जगदीश बाबू जो है उसके बचपन का साथी उसको मिल जाता है और वो लोग कैफे में जाते हैं।
जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। अब जगदीश मदन को बहुत चोट लगी थी, उन्होंने उसे बुलाया पर वो नहीं आया। वो दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी, पर नहीं उसने क्या कहा, क्या लाऊ दाजू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा तो चाहे वो ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने पर कि अपेक्षा लाया साहब कहकर वो चल। मदन बहुत ही छोटा लड़का था, पर एक ही बात में उसको भी बहुत चोट होगी और उसको किस तरह से बात करनी है। पूरा अपनी प्रेस्टिज को संभालने के लिए उसने दाजू की जगह साहब शब्द मानो दोनों अपरिचित। जैसे वो दूसरे लोगों से व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार उसने जगदीश बाबू से किया। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगा कर बोला, वो लिखने में पता चल ही जाता था कि पहाड़ी है। हाँ, मूर्खा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। यही शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब जगदीश बाबू आए थे तब, कि क्या नाम है तुम्हारा, और उसको फिर से वो सब याद आ गया। और लास्ट की वर्ड था वो प्रेस्टेज, कि उन्होंने पहले उससे अपनापन बनाया और फिर उसकी इज्जत पर आ गया तब उन्हें डांट दिया, उसे डांट दिया। वो सारी यादें जो है उसकी घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही पूछना, दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टिज का ख्याल नहीं रखता। जगदीश बाबू ने आंखें उठा कर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब भी वह ज्वाला उनके साथ फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब को, मुझे संक्षिप्त सा उत्तर देखकर वो मुड़ गया। आगे से उसका चेहरा लाल होकर और अधिक सुंदर हो गया। अब लोग जो उसे बॉय कहते हैं, तो उसने वही उत्तर दिया, उसने अपना नाम बताया नहीं, क्योंकि नाम बताता वापस वही दुख। इससे अच्छा उसने डायरेक्ट मदन कहकर अपने आप को बताया कि मेरा नाम मदन है, और वो चला गया। और वो गोरा था, उसको जो अंदर से गुस्सा आ रहा था, रोना भी आ रहा था, तो वो था उसका मुँह एकदम रेडिश हो जाता है और वो एकदम और भी सुंदर दिखने लगा। तो ये है कि हमें बाल मजदूरों के साथ होनी ही चाहिए, नहीं है बाल मजदूरी होनी ही चाहिए। और अगर कोई मजदूरी के कारण ये काम कर रहा है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें दुख देना चाहिए। ये जो है सीख हमें लेनी है। थोड़े से मैं फटाफट आपको एक बार कहानी बता दूं कि मदन जो है एक पहाड़ी लड़का है, जगदीश बाबू भी पहाड़ से आते हैं, दोनों के बीच में दोस्ती बनती है। पर जब जगदीश बाबू को अकेलापन दूर हो जाता है तब मदन उनको जो दाजू दाजू कहकर बुलाता है वो उनको अच्छा नहीं लगता और वो उसे डांट देते हैं। मदन को बहुत दुख होता है, वो अपने घर जाकर बहुत रोता है और बाद में जब जगदीश बाबू वापस आते हैं तब वो उसे दूर हो गया होता है। तो इस तरह से है हमारी पूरी कहानी। सभी लोग इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और बाल मजदूरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करवाता भी है तो बहुत बुरी बात है। जब आपकी पढ़ने की उम्र है तब अच्छे से पढ़ो, तो मजबूरी होगी ही नहीं। अब अच्छा पढ़ोगे, नहीं पढ़ा था इसीलिए उसको